Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा थ्रिलर हॉरर मूवी द हॉन्ट की एक्सप्लेनेशन, जो कि रिलीज हुआ था 2020 में। क्रेग जोबेल का डायरेक्ट किया हुआ ये मूवी को आईएमडीबी में मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और 57% लोगों ने इसे रोटेन टोमेटोस में पसंद करते हैं। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज का एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एथिना नाम की एक ग्रुप एडमिन, जो कि अपनी ग्रुप चैट में लिखती है हमारा हंटिंग की तारीख पास आ रहा है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं है। ये सारे चार्ज को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि अथीना के साथ इस ग्रुप के सारे मेंबर्स कुछ लोगों को कत्ल करने की फिराक में है। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एक प्राइवेट जेट के अंदर घबराते हुए एक मोटा सा आदमी घुस जाता है और सबको पूछता है कि इसके अंदर मैं कैसे आया। उस जेट में उपस्थित कुछ लोग उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं और कुछ लोगों के साथ उसका झड़प भी हो जाता है। ठीक उसी वक्त ग्रुप लीडर अथीना वहाँ पे आके उस आदमी के आंखों में अपनी सैंडल मार के उसे वहीं पे खत्म कर देती है। और मूवी के अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, उसके मुंह पे बेल्ट लगा हुआ है जो कि जंगल में पड़ा हुआ है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग इसकी तरह फंसे हुए हैं और सबके जुबान में ऐसे ही बेल्ट लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि जंगल के बीच में एक खुला सा मैदान में एक उड़न बॉक्स रखा हुआ है और एक आदमी आके उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत ही अनोखे तरह का एडवांस्ड वेपन रखा हुआ है। और वहाँ पे उपस्थित सारे के सारे लोग आके एक एक वेपन वहाँ से उठा लेते हैं। उसी वक्त उस लड़की को एक चाबी मिलती है जिसके जरिए सबके जुबान पे लगा हुआ वो बेल्ट को एक एक करके खोल देती है। तभी उन लोगों के ऊपर फायर होने लगता है और उन लोगों ने कहीं ना कहीं छिपने की कोशिश करते हैं। तभी धड़ाक से एक गोली लगता है उस लड़की के सर पे और वो वहीं पे मर जाती है। एक आदमी दो ऑटोमेटिक मशीन गन पे फायर करता हुआ उन लोगों की ओर भागता हुआ आता है और ये सब कुछ तबाही वो ग्रुप लीडर अथीना करवा रही थी। एक औरत खुद की जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है और वो एक गड्ढे में गिर पड़ती है। तभी एक लड़का उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और वो देखता है कि उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे किल्स लगा हुआ था और उस लड़की के शरीर में कुछ किल्स घुस गए हैं। फिर वो उस लड़की को बचा के जंगल की ओर भागने लगता है। तभी उसका पैर एक ऑटोमेटिक लैंडमाइंस के ऊपर पड़ जाता है और वो बम फटने की वजह से उस लड़की के बॉडी का सिथरे उड़ जाते हैं और उस लड़की की आधी बॉडी उस गड्ढे पे फिर से जाके गिरता है। और ये सब देख के एक दूसरा लड़का उस गड्ढे की तरफ भागते हुए आता है और वो लड़का जब इस लड़की के करीब आता है तभी हम देखते हैं कि इस लड़की ने उसे गन छीन लेता है और खुद को शूट करके मार देती है। और ये सब देख के वो लड़का घबराते हुए जंगल की ओर भाग जाता है। तभी वो भागते हुए जाके देखता है कि वहाँ पे एक लेडीज के साथ दो लोग एक तार वाला बाउंड्री को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी उन लोगों के साथ वो बाउंड्री को पार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक थोड़ा ज्यादा उम्र वाला आदमी उस बाउंड्री को पार नहीं कर पाता है और सडनली कहीं से कुछ तीर आके उसके शरीर में लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर बचे हुए तीन आदमी भागते हुए एक शॉप के पास पहुंचते हैं। ये शॉप के अंदर एक बुढ़ा और एक बुढ़ी आदमी शॉपकीपर होते हैं और ये दोनों शॉपकीपर उन तीनों को अलग अलग तरीके से पॉइजन के जरिए मार देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बुढ़ा और बुढ़ी आदमी भी अथीना की आदमी थे। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ देर बाद क्रिस्टल नाम की एक लड़की उस शॉप पे आती है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टल उस शॉप से सिगरेट खरीदते वक्त उसे इन दोनों के ऊपर डाउट होने लगता है। फिर वो दोनों को गोली मार के वहीं पे खत्म कर देती है। फिर क्रिस्टल को एक गैरी नाम का आदमी मिलता है शॉप के बाहर जिसके साथ वो ट्रेन ट्रैक में चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उस ट्रैक पे एक ट्रेन आती है और इन दोनों ने जैसे तैसे करके उस ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। इन लोगों ने उस ट्रेन पे कुछ रेफ्यूजीज को देखते हैं। उस रेफ्यूजीज के बीच में एक माइक नाम का आदमी होता है। सोल्जर्स उस ट्रेन को रोक के सबको बाहर निकालते हैं। फिर गैरी सोल्जर्स को बताता है कि माइक एक नकली रेफ्यूजी है, इसलिए गैरी माइक और सोल्जर्स के बीच में कुछ झड़प हो जाता है और गैरी माइक के पैंट के अंदर एक बम रख देता है जिसे माइक नहीं निकाल पाता है और वो बम फटने की वजह से उसका वहीं पे मौत हो जाता है। फिर क्रिस्टल गैरी से अलग होने की वजह से उसे रेफ्यूजी कैंप लाया जाता है। उस रेफ्यूजी कैंप में क्रिस्टल का मुलाकात एक डॉन नाम का एक्स प्रिजनर के साथ होता है। फिर उस रेफ्यूजी कैंप में काला सूट पहन के एक आदमी एक लिमोजिन लेके आता है। क्रिस्टल और डॉन को उसने छुड़ा के वहां से ले जाता है। जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं वो आदमी उस हंटर्स लोगों के बारे में बात करने लगता है जिसके ऊपर क्रिस्टल का डाउट होने लगता है और उसने उस काला कोट वाले आदमी को चलते हुए गाड़ी से बाहर धकेल देता है और उसके ऊपर से कार चढ़ा के उसे मार देती है। फिर डॉन क्रिस्टल के ऊपर गुस्सा करते हुए ये बोलता है कि जिस आदमी को तुमने मार दिया है वो आखिरी आदमी था जो हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता था। जब क्रिस्टल उस कार की डिक्की को खोलती है तब वो देखती है कि उसके अंदर गैरी का लाश रखा हुआ था। गैरी की लाश को देख के उन दोनों को समझ आ जाता है कि ये काला कोट वाला आदमी भी उन लोगों को मारने वाला था। मूवी के अगले सीन में हमें हंटर्स की बेसमेंट दिखाया जाता है
जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स लोग होते हैं और ये सारे लोगों को मारने के प्लान बना रहे होते हैं, और इन लोगों का ट्रेनर भी इन लोगों को ट्रेन कर रहा होता है। फिर क्रिस्टल और डॉन यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टल सारे हंटर्स को एक एक करके मार देती है। आखिर में उस ट्रेनर और क्रिस्टल के बीच में लड़ाई होने लगता है और क्रिस्टल ट्रेनर को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पे अथीना का कॉल आता है जिससे क्रिस्टल और डॉन बात करने लगते हैं, लेकिन अथीना अपनी सातिर दिमाग यूज करके इन दोनों के बीच में लड़ाई करा देता है। क्रिस्टल डॉन को डाउट करते हुए उसे मार देती है। फिर क्रिस्टल उस घायल पड़े हुए ट्रेनर को अथीना का लोकेशन पूछने के बाद उसे भी जान से मार देती है। फिर हम लोगों को मूवी में एक साल पहले की कहानी में दिखाया जाता है कि ये हंटर्स ग्रुप की शुरुआत कैसे हुआ था। एक्चुअली हम लोगों ने मूवी की शुरुआत में जो अथीना की ग्रुप चैट देखा था, जहाँ पे ये लोगों ने कुछ लोगों को हंट करने की बात कर रहे थे, वो बेसिकली एक प्रैंक ही था। एक्चुअली कहानी ये था कि क्रिस्टल और उसके कुछ दोस्तों ने अथीना की इस प्रैंक वाली ग्रुप चैट को लीक आउट कर दिया था, जिसके बदौलत अथीना और इसके दोस्तों का बहुत ज्यादा बदनामी हुआ था और इन लोगों को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था। इसीलिए इन लोगों ने क्रिस्टल और उसके साथियों का बदला लेने के लिए ये सब किए। फिर मूवी में हमें प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टल एथिना के घर पे पहुँचती है और उस वक्त एथिना अपने घर पे कुकिंग कर रही होती है। फिर क्रिस्टल वहाँ पे पहुँच के उसे बोलती है कि मैं वो वाली क्रिस्टल नहीं हूँ जिसे तुम मारना चाहती हो। फिर दोनों के बीच में कुछ बातचीत होने लगता है। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है और आखिर के उस लड़ाई में क्रिस्टल अथीना के पेट में एक धारदार हथियार के जरिए उसे मार देती है। अथीना का मौत वहीं पे हो जाती है। इसके साथ इस मूवी का एंडिंग भी यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching guys. See you in next video. Bye bye.